यूपी के जनपद संभल हयातनगर थाना क्षेत्र के ग्राम शेरपुर में सरकार द्वारा भले ही गरीबों को आशियाने में ऐसा कराया जा रहा हो, लेकिन आज भी गांव देहात में ऐसे लोग जिंदगी जीने को मजबूर हैं जिनके पास ना तो पति का सहारा है, ना खाने को राशन, ना सोने के लिए मकान की छत है। इसके बावजूद ये लोग सरकार द्वारा दिए जा रहे आवास योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर इस इंतजार में बैठे हैं कि कब सरकार द्वारा इनको पहली किश्त आए और घर का काम शुरू कराया जाए, जिसकी आस में इनके ऊपर से सर्दी गर्मी बरसात उतर रही है, लेकिन किश्त की कोई खैर खबर नहीं है। मामला यूपी के जनपद संभल हयातनगर थाना क्षेत्र के पवासा ब्लॉक के ग्राम शेरपुर का है, जहां एक विधवा सोनकली पत्नी स्वर्गीय बाबू व अंजलि पत्नी राहुल ने बीते समय आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया था, जिसके बाद बीते महीनों पहले गांव के सेक्रेटरी ने आकर गरीब के घर के फोटो वीडियो भी कर लिए थे, जिसके बाद अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब विधवा को डर सता रहा है कि सेक्रेटरी के आने के बाद किसी तरह की कोई सूचना गरीब महिला को नहीं मिली है, जिस कारण महिला को लग रहा है कि शायद अब उसको आवास का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज के हालात महिला के हैं। उसके घर राशन नहीं होने के कारण चूल्हा नहीं जला है, लिहाजा इन हालातों में वह किसी एजेंट से मिलकर अपनी फाइल कैसे आगे बढ़ाए, जिसके लिए उसके पास पैसे भी नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? सोनकली। आपके गांव का क्या नाम है? शेरपुर जी। आपका जो मकान जर्जर हुआ पड़ा है, इसमें क्या है पूरा मामला? ये सारा खस गया है सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बर्तन वाले सारे दब गए, रहने को जगह नहीं है, बहू के सारा सामान दब गया, हमारा सारा सामान दब गया। खाए कहाँ, कहाँ बनाए, कहाँ खाए, बच्चे भूखे हैं, क्या करें? कोई सुनवाई नहीं कर रहे, नहीं सेक्रेटरी सुनवाई कर रहे, नहीं प्रधान सुनवाई कर रहे, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। हमने ऑनलाइन भी करा दी मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आपने शिकायत कहाँ कहाँ करी है? हमने संभल से ऑनलाइन कराई और फिर देखने भी आए, देखने के बाद भी उन्होंने कोई बात नहीं करी हमें दोबारा। अच्छा, अधिकारी जांच करने भी आए थे? आए थे जी। उन्होंने कोई बात दोबारा कोई नहीं बताई जी। अब योगी सरकार से आप क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि सर हमें कुछ ना, हमारा मकान बनना बन जाना चाहिए। एक घर होता सही, उसमें रह लेते, दोनों ही घर सारे खसे पड़े हैं, लड़का का भी और बहू हमारा भी। हम कहाँ रहे, जब बच्चे कहाँ रहे छोटे छोटे, बताओ। शासन प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए, हमें थोड़ी मकानों को ताई थोड़ी सुविधा मिल जाए, यही है सरकार से हमें। कितना समय हो गया इस मकान को? इस मकान को तो हो गए 2 साल हो गए, सारा खसा हुआ। अधिकारी जांच करने आते हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं करते, सुनवाई नहीं करते। हाँ, जांच करने आते हैं और चले जाते हैं। अब आप क्या चाहती हैं? अब तो यही चाहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनवाई करें और हमारा इसी मारे बुलाए हैं कि जो हमारे मकान की थोड़ी सुनवाई करें जी। मकान हमारा देख लो, क्या कहाँ रहे, कहाँ खाएं, किसी के किसके घर है रुके जाए के, ये बताओ। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।